बस बिहार पुलिस आर्मी थोड़ा ना कि साथ में ग्रुपिंग जा रहा, नहीं आगे वाले लड़को पकड़ के जाना, उसमें बिहार पुलिस का अपना टाइमिंग, आप खुद मालिक हो। तो बिहार पुलिस में गलतियाँ नहीं करें, आपको शॉर्टपुट गोला देखिए जंप वगैरह है तो कि आप 15-20 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जंप निकल जाएगा। शॉर्टपुट जो जाता है 16 फुट, उसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 से 1.5 महीने लगता है। अचानक आप नहीं फेंक रहे, ट्रिक कहाँ काम करता है, 1 से 2 फीट में ट्रिक काम करता है। आप सोचेंगे कि मेरा गोला ज़्यादा 15 फीट और हम 20 फीट गोला फेंक देंगे रातों रात, तो वैसा नहीं है, उसमें भाई ताकत चाहिए, तो ताकत आएगा तो सब कुछ होगा, ठीक है। बस तो ये आपका अपना छपरा फिजिकल अकेडमी, दोस्तों मोस्ट वेलकम है। पीछे जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं बिहार पुलिस स्पेशल 21391 का है और इनका कल हमारा सेकंड ट्रायल लगेगा और देखते हैं क्या लड़के टाइमिंग कल आते हैं, ठीक है, कल नहीं मंडे को, ठीक है, कल तो छुट्टी रहेगा। दोस्तों ये बात आप कंठस्थ याद रखो, 21391 में अगर एक सीट आपको चाहिए, ठीक है, इतना बड़ी भर्ती बिहार में अभी तक नहीं आया, ठीक है, बट पहली बार आया है, अगर एक सीट चाहिए, अगर स्मार्ट तरीके से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट है कि कैसे मैं पढ़ें कैसे दौड़ें, ठीक है, तो बिल्कुल इस बार आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि बेल्ट की जितनी सारी जॉब होती है उसमें आपको दोनों चीज़ फिजिकल और रिटर्न दोनों होना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। आप लाइक रिटर्न बनाना है अभी बनाएंगे तो फिजिकल छूट जाए, जब फिजिकल बनाएंगे तो रिटर्न छूट जाए, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे जैसे दुर्गा की भर्ती चल रही है, उसमें 6.5 मिनट क्वालिफाई करना आता है, मतलब 50% लड़के फेल हो रहे हैं, ठीक है। क्यों फेल हो रहे हैं, अगर टाइम मिलने के बावजूद भी, ठीक है, तो इंजरी के कारण होता है, ठीक है, सबसे मेन कारण होता है इंजरी आ जाती है, ठीक है। अगर अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिटर्न देने के बाद आऊँगा अगर 2 महीने में, तो दोस्त सबको कहता है बट करवा नहीं सकता, सबको पता है दोस्त कि 2 महीने में बिहार पुलिस का दौड़ नहीं बनेगा। इसमें आपको फिजिकल पे मेरिट बनता है, तो आपको 5 डाउन कीजिएगा तो 50 अंक मिलेगा, तो 5 डाउन करना गर्दनी बाग में दोस्त, इतना आसान बात नहीं है, 1-2% लड़के करते हैं, ठीक है। तो आपको फिजिकली अभी से लग जाना है, 8 अगस्त से आपका जो भी अगस्त में आपका पेपर होने वाला, उससे पहले ही आपको कुछ दौड़ बना लेना है, लाइक 5-20 का ट्रायल बना लीजिए, ठीक है। जब आपका दौड़ अच्छा होगा तो रिटर्न ही ऑलमोस्ट अच्छा होने लगेगा, ठीक है। मन में एक रहेगा कि मेरे पास दौड़ है तो आप रिटर्न में थोड़ा सा और फोकस कर दे, ठीक है। कट ऑफ है, ये रिटर्न का कट ऑफ दोस्त बहुत कम जाएगा, क्योंकि लड़कों जो अप्रोक्स में बता देता हूँ फिजिकली लाइक है, कैटेगरी वाइज देख लेंगे तो बिल्कुल आप अगर जनरल कैटेगरी में मेरे 65 स्कोर कर रहे हैं और 70 के आसपास हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। SC ST भाई साहब हैं तो 55-60 के इनफ है आपके लिए, OBC कैटेगरी 65, ठीक है, तो इसमें इनफ है। आप अगर थोड़ा सा आपका रिटर्न अच्छा है, मैं बता रहा हूँ ना, 50 अंक भी अभी स्कोर पर कर पा रहे हैं, फिजिकली करिए, ठीक है। अगर 70% 70-80 नंबर आप कह रहे हैं तो दोनों टर्म कीजिए, 50% अगर कर ले रहे हो, 50-50 अटैम्प कर ले रहे हो, कोई भी कैटेगरी हो आप, ठीक है, 50 से 55, तो आपने सिंगल टाइम रनिंग कीजिए, मत कीजिए ग्राउंड रखिए, क्योंकि उस टाइम जब आएंगे ना तो दोस्त बहुत सारा कारण आएगा आपको, कभी पैर पकड़ लेगा, कभी कोई इंजरी आ जाएगा, ठीक है। इंजरी रिकवरी होने में टाइम लगता है, अगर मान लीजिए ना ये रिजल्ट के बाद अगर 2 महीने भी आपको टाइम मिल गया और 2 महीने में आप सोचिएगा कि आप टाइमिंग है 6.5 मिनट और अगर आपका 6 मिनट भी टाइम है ना 2 महीने में आप करेंगे तो दोस्त मेरिट लगने का बहुत चांसेस कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जब स्पीड भागोगे तो इंजरी आएगी, स्पीड इंजरी आएगी तो फिर हर इवेंट में, अब इंजरी रनिंग में आ गया तो क्या जंप भी है, तो जंप भी करना है आपको, गोला भी फेंकना है, 50 का रनिंग होता है, 25 का गोला, 25 का शॉट पुट। तो कहना है कि मतलब ये है कि आप सिंगल टाइम पकड़ लीजिए ग्राउंड कहीं पे भी, ठीक है, किसी संस्था से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया, सेल्फ कर रहे हैं तो वर्कआउट प्लान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा तो टारगेट क्या है, अगस्त से पहले रिटर्न क्या करना, कितना टाइमिंग कर लेना है, 5-20 डाउन कर लेना सबका, देखते हैं सेकंड ट्रायल में ये लड़के तो फोड़ देंगे हमारे, ठीक है, 5-20 तो छोड़िए, 5 डाउन भी कर देंगे कुछ इसमें, ठीक है। ये हमारे एकदम कुछ लड़के पुराने हैं, कुछ अग्नि मिल गया तो फ्रेश बैच है, क्योंकि दुर्गा बैच हमारा निकल चुका है, तो ये बात हमारा मान के चलिए कि उस टाइम आएंगे तो दोस्त कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए कोई 2 महीने में नहीं करा देगा, अब कोई जन्म घुट्टी नहीं है कि आया आप पिला दिया आप मार दिए, ठीक है। जो 3-4 साल से प्रैक्टिस किए हुए लड़के जिनकी टाइमिंग 5-20-30 होगी उनका सही है, ठीक है, तो रिजल्ट दोस्त आ जाता है। फिजिकल से गिरिएगा तो बिल्कुल बहुत दिक्कत है, मेरिट बनेगा फिजिकल के बेस पे, ठीक है, कम से कम आपको स्कोर अच्छा नंबर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा OBC कैटेगरी भाई, जनरल वाले भाई तो हमारे EWS में घुस जाएंगे, OBC वाले पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका अगर 5 मिनट का ट्रायल नहीं हुआ होम टेक ग्राउंड तो आप 40 नंबर नहीं सोचिए, आप सोचिएगा अपने ग्राउंड में 5-18 मार के वहाँ गर्दनी पर, नहीं आपको वहाँ पे बिल्कुल 30 अंक आएगा, ठीक है, 5-10 वाले को बता रहा हूँ, 5-5 आपकी टाइमिंग है तो आप सोच सकते हो कि मेरा 40 अंक आ रहा है। ये 15 सेकंड का खेला जो होता है ना ये 15 मीटर का ही होता है, इतना ही मैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा, और बिहार पुलिस आर्मी थोड़ा ना कि साथ में ग्रुपिंग जा रहा, नहीं आगे वाले लड़को पकड़ के जाना, उसमें बिहार पुलिस का अपना टाइमिंग, आप खुद मालिक हो। तो बिहार पुलिस में गलतियाँ नहीं करें, आपको शॉर्टपुट गोला देखिए जंप वगैरह है तो कि आप 15-20 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जंप निकल जाएगा। शॉर्टपुट जो जाता है 16 फुट, उसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 से 1.5 महीने लगता है। अचानक आप नहीं फेंक रहे, ट्रिक कहाँ काम करता है, 1 से 2 फीट में ट्रिक काम करता है। आप सोचेंगे कि मेरा गोला ज़्यादा 15 फीट और हम 20 फीट गोला फेंक देंगे रातों रात, तो वैसा नहीं है, उसमें भाई ताकत चाहिए,
ताकत आएगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, मंडे को हम लोग ट्रायल लगाएंगे। ठीक है, आज हमारा सैटरडे क्लोज हो गया। ये हमारा ग्राउंड, ये दिखा सकते हैं, और ग्राउंड में काम चल ही रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन भाई को आना है मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं छपरा फिजिकल अकेडमी। आपको हॉस्टल मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।